हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई नो कि हम दो या चार दिन से काफ़ी इनएक्टिव हैं, डेली व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वापस से आएंगे। क्या कुछ चीज़ें चल रही थी इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, बट अब वापस से आएंगे, व्लॉग्स डेली आएंगे। और आज का रूटीन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, जिम नहीं हुआ है, सुबह नहीं उठ पाए हैं, लेट उठे हैं क्योंकि रात में लेट सोए तो लेट उठे सुबह। बट कल से वापस बैक टू रूटीन करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए तभी चीज़ें सही टाइम से होंगी और व्लॉग्स भी सही टाइम पे मिलेंगे। तो आज अब नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो आज बन रहा है सैंडविचेस, घर पे बन रहे हैं। चलो दिखाता हूँ, टेस्टी है काफ़ी। जूलियट भी उसका इंतज़ार कर रही है। जूलियट कहाँ गई? जूलियट सैंडविच का इंतज़ार कर रही है बाबा। हाँ बाबा, सैंडविच का इंतज़ार कर रही है बाबा। जूलियट सैंडविच खाएगी अभी आराम से, दादाजी पूजे में लगे हुए हैं। चलो प्रिपरेशन दिखाते हैं आपको। बन रहा है, चाय बन चुकी है, दूध बन चुका है, ब्रेड में ही लेके आया हूँ। सैंडविच बन रहा है अभी, गर्मा गर्म खाएंगे, है ना जूलियट? जूलियट अपना खाना खा चुकी है, तो उसका टिफ़िन ये वाला धुल के रख उठा है और ड्राई फ्रूट वाला है वो बाद में खाएगी। और आज जूलियट को लगे कि एक इंजेक्शन वैक्सीनेशन उसका है आज, तो हर साल जो वैक्सीनेशन लगती है जूलियट को, आज उसका डेट है, तो आज हम लेके जाएंगे जूलियट को, उसका वैक्सीन करवाएंगे। तो बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स को कितना मिस किया, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हाँ कोई तो हमारे व्लॉग्स का इंतज़ार कर रहा है, तो हमको भी जानना है। तो उस हिसाब से हम भी थोड़े एक्साइटेड रहा करेंगे ना, हमेशा अप टू डेट रहा करेंगे, नई नई व्लॉग्स डालना है, व्लॉग्स डालना है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और बताओ। गाइस मस्त गर्मा गर्म सैंडविचेस। सूरज दादा को देख रहे हो? दिख रहे हैं? कहाँ गए यार वो? दिख रहे हैं? मस्त खाते हैं, अब इंजॉय करते हैं, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, अभी टाइम मिला एक्चुअली, तो हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास, वेट के पास, जूलियट के, जहाँ पे उसका वैक्सीनेशन लगेगा आज, क्योंकि वो हर एक साल पे लगता है, तो वो वाला है। तो आज हम उसके लिए जा रहे हैं, जूलियट एकदम रेडी है, दिखाता हूँ। चालू चलो देखो अब बैठ गई। चलो जूलियट आ गई है, लेकिन अंदर नहीं गया है ना, थोड़ा सा वो है, थोड़े से दो और डॉग्स हैं, इसके लिए हमको टाइम लग रहा है। और जूलियट यहाँ पे आने के बाद ना हर जगह सूंघा सूंघी करती रहती है, इसको बहुत संभालना पड़ता है, बॉडी वेट से संभलती नहीं है, इसके लिए इसको ऐसे खींचना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि ये समझे लड़की। बाकी काम बहुत चल रहा है मुंबई में गाइस, देख सकते हो आप लोग। चलो इधर, नो हो गया, जूलियट का वैक्सीनेशन हो गया गाइस, और जूलियट का ब्लड सैंपल भी ले लिया है, जो रिपोर्ट आ जाएगी। पर बाकी सब नॉर्मल है, सब फीवर वगैरह कुछ नहीं है, सब सही है। आगे देखते हैं रिपोर्ट आने पे पता चलेगा, है ना जूलियट? बाकी जूलियट हमारी एकदम सही है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, गुब्बू गुब्बू है। अच्छा हमको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना बेबा, हम नहीं खा सकते अभी रोटी, नहीं खा सकते कुछ और, थोड़ा अंडा भी बंद करना पड़ेगा। खसू आ गई जूलियट, नू जाओ देखो, जाओ खाना रखा हुआ तुम्हारा, खाना खा लो। चलो बेबू, डॉक्टर ने बोला है ना, जाओ खाना खा लो, जाओ। हाँ जाओ। अच्छा बैठ जाओ बाबा, जाओ देखो सोमी क्या दे रही, जाओ
जाओ जाओ जाओ हाँ जाओ देरी जाओ जा मेरा मेरा बेटा ली मेरा बच्चा हाँ मेरा बच्चा हाँ हाँ जाओ जाओ देखो 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 कौन दे रहा देखो 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 जाओ 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 जूलियट लड़ाई कर रही है गाइस। चलो मैं तुम आपको दिखाता हूँ। जूलियट इज फाइटिंग फॉर बोन। खाना दिया हुआ है बेचा अभी नहीं बे तू अभी रात को खाती हो तो उल्टी हो जाती है ना। सुबह सुबह लेना अभी नहीं रात को नहीं रात को नहीं बेबू रात को खाती है तो उल्टी हो जाती है तुम हजम नहीं होता है रात में बेटू नहीं रात में नहीं बेटू रात में नहीं पक्का कल कल पक्का कल पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस कल पक्का प्रॉमिस कल पक्का प्रॉमिस हाँ कल पक्का प्रॉमिस ठीक है शांत हो जाओ। चलो खाना खा लो अपना फिर अपन घूमने जाएंगे खाना खा लो फिर अपन घूमने जाएंगे गाड़ी से घुमाऊंगा नहीं 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 चलो 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 अंदर लड़ाई कर रही है पागल है क्या तू नहीं बेटा नहीं करते बाबूजी की छड़ी लेके आती हूँ मैं नहीं 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 रह छड़ी वड़ी नहीं रह ऐसे ही समझ नहीं नहीं समझदार बच्चा है मेरा समझता है सब समझ में आता है उसको नो अरे बाप रे बेटू नहीं करते ऐसा ना सोना बच्चा है तुम सोना बच्चा है तुम सोना बच्चा है नहीं समझदार बच्चा ना मेरा। चलो खाना खाओ लास्ट का खाना दो मुझे कहाँ खाना इसका देखो मेरी मम्मी यहाँ से देख रही है वीडियो कॉल पर से मेरी मम्मी और पापा देख रहे हैं है? चलो आ जाओ देखो हड्डी मांगता है लड़की को बस आओ चलो चलो बेटू खाना खाओ चलो चलो खाना खाओ फिर घूमने भी जाना है ना बच्चू हाँ मेरा सोना बच्चा बैठो 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 तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो दोपहर हुई है और जूलियट एकदम गहरी नींद में है। आप देख सकते हो कैसे सोई हुई है बिल्कुल होश व आवाज़ नहीं। उसके सामने मैं खड़ा हूँ कैमरा इतने पास ले जा रहा हूँ बट उसको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा इतना अच्छा सो रही है वो। फिलहाल इस टाइम घर में सभी लोग सो रहे हैं सब सो रहे हैं मैं आज सोया ही नहीं। मैं कल शायद आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी होगी मैंने डाला था मैं बाहर था कल मैं घर पे भी नहीं था तो मैं आज सुबह आया हूँ मॉर्निंग में एंड मैंने आज सिर्फ काम किया है जो मैंने सोलो वीडियोस बनाई हैं स्नैपचैट वगैरह के लिए तो मैं वही सब कर रहा था जिस चक्कर में आज मैं दोपहर में आराम किया ही नहीं सोया ही नहीं मैं तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा था एंड रील्स वगैरह भी हमने सुबह मॉर्निंग में एक दो बनाई थी जो जूलियट के साथ इंस्टाग्राम पे आपने देखी होगी एंड सेकंड पेज के लिए भी मैंने बनाया था तो वो भी वहाँ पे डाला था तो सेकंड पेज पे सोलो वीडियो। बाकी हमने स्नैपचैट के लिए कॉमेडी वीडियोज़ क्रिएट करे। अगर आपने अभी तक स्नैपचैट पे हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार ये हमारा यूज़र नेम है स्नैपचैट का तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड सब सो रहे हैं अभी हम लोग काम करके बस सब फ्री हुए हैं अभी जाएंगे नीचे तो आगे देखते हैं क्या 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 होता है एंड मुझे पैकिंग भी करनी है यार क्या ले जाऊँगा। 2 से 3 दिन के लिए जाना मुझे वापस जल्दी से जल्दी आना है क्योंकि और एक काम है जिस रीज़न से मुझे जल्द से जल्द वापस बैक टू मुंबई आना पड़ेगा तो वो सारी चीज़ें हैं मैनेज करना पड़ता है एंड मेरे पैर में फिर से पता नहीं क्या हो गया है ये यहाँ पे काफ्स पे तो वो पेन मसल शायद से वो हो गई है क्या बोलते हैं अपन मसल मुड़ गई है जो भी है व्हाटएवर इट इज़ तो वो चलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। मैंने मसाज करवाई थी बट स्टिल थोड़ा सा पेन है आई होप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हम काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं थे मुझे पता है बट फिर भी हम अब डेली व्लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से रुक जाते हैं डेली नहीं हो पाता है
बाकी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और अभी बज रहा है शाम का 4:30 बज रहे हैं अभी, तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले मैं सुबह भूल गया था, तो मैंने अभी पेड़ों में पानी डाल दिया मस्त, नहीं तो ये सूख जाते हैं एक दिन में ही। और बाहर काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है चीज़ें, हल्की धूप है, मतलब है गर्मी वाली धूप ही है। एंड सामने ये जो घर है ना, ये वाला, इन्होंने मस्त अच्छा अभी डेकोरेट करवाया है, अच्छा बन रहा है, चीज़ें देख के समझ में आ रहा है, फुल मॉडिफाइड घर एंड फुल थोड़े से हैं। वाओ, और नीचे का नज़ारा, सब अपने अपने काम में, दुनियादारी इसी का नाम है। सूरज दादा इधर आ चुके हैं और दिखेंगे नहीं, बिल्डिंग के पीछे हैं थोड़े से। जूलियट यहाँ की सो गई, वहाँ से उठ के यहाँ आ गई, इसको चलने बोल रहा हूँ घूमने। चलो चलो जाएंगे, चलो आ जाओ। तो हम आ गए हैं, जूलियट महारानी हमारी उठ गई हैं। तो ये टाइम है ना, इस टाइम में हम जाते ही हैं, बस वो क्या था कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है ना, तो सो जाती है। बाकी लेफ्ट, सॉरी, अभी लिफ्ट आ जाएगी फिर हम नीचे पहुंच जाएंगे। सोसाइटी में काम चल रहा है ना, इसके लिए बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी। कल लगा था सही, बट थोड़ा सा साइड में हो गया, बस रह गया। अपने मत्थे से जूलियट को लगा देता हूँ मंदिर से आने के बाद, है ना जूलियट? हे सोसाइटी में, चलो मैं और जूलियट यहाँ पे थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जूलियट ने भी देख लिया है कि मेरे बैग वैग पैक हो चुके हैं, मुझे जाना है बाहर, तो उसको समझ में आ जाता है। तो हम यहाँ पे बस थोड़ा सा साथ में टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि मिस करते हैं हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। वो मस्त सो रही है, लेकिन उसका हाथ मेरे ऊपर ही रहता है हमेशा, जब भी मैं उसके आस पास होता हूँ, तो हमेशा ये चीज़ करती है। चलो बाय बाय बाय, चलो हाँ, संडे है यार, चलो बाय बाय। तो गाइस, मैं निकल चुका हूँ जयपुर जाने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही था। तो अब आगे का जो भी व्लॉग होगा वो सेकंड पार्ट में आएगा, ये पहले व्लॉग में हम यहीं तक रखेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड व्लॉग, आई होप आप लोगों को जयपुर की जर्नी में बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ और आप लोग उसको एंजॉय कर पाओ। बाय बाय मुंबई।